रिक्शा रिक्शा, भैया गाड़ी रोके। गुड मॉर्निंग मुक्ता, मैं स्कूल जा रही हूँ, रास्ते में तुम्हें ऑफिस छोड़ दूँ, आ जाओ। हम रिक्शा में मैनेज कर लेंगे। इतनी नाराजगी हमसे? झगड़ा आकाश और विष्णु के बीच में हुआ था, हमारे बीच में नहीं। फिर तुम हमसे क्यों नाराज हो? उस दिन हमने क्या तय किया था कि कुछ भी हो जाए हमारे बीच कोई दरार नहीं होना चाहिए। फिर नहीं मीठी, तुमसे कोई नाराजगी नहीं है। अगर ऐसी बात है तो चलो मेरे साथ आओ। मीठी कल आकाश ने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम क्यों माफी मांग रही हो मीठी? तुम तो ऑलरेडी कल रात को माफी मांग चुकी हो, पर आकाश मैं मुक्ता को हासिल करना चाहता हूँ। मैं मुक्ता में दिलचस्पी रखता हूँ। क्या विष्णु ने तो ये भी कहा कि मैं मुक्ता के साथ इसीलिए रात कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसके साथ गलत संबंध। ये बात मैं अभी मुक्ता को नहीं बता सकती, वो विश्वास ही नहीं करेगी कि विष्णु ऐसा कभी कह सकता है। तुम्हें नहीं लगता है जो कुछ भी आकाश ने किया है वो गलत किया है? आकाश का हाथ उठाना गलती थी। एक बार नहीं, दो बार। पहली बार तो जब नानी ने हमें सब कुछ कहा तो हमें लगा कि नानी हमें भड़काने की कोशिश कर रही है, पर दूसरी बार जो कुछ भी हुआ हमारी आंखों के सामने हुआ। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। जो कुछ भी हुआ गलत हुआ मुक्ता, और मैं चाहती हूँ कि हम चारों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। पर मीठे हम क्या करेंगे, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब मैं सोच रही थी कि आज हम चारों डिनर पे चले, तुम विष्णु के साथ आ जाना, मैं आकाश के साथ आ जाऊंगी, फिर हम दोनों उन दोनों को थोड़ा वक्त देंगे एक दूसरे के साथ बात करने के लिए। दोनों बात करेंगे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो दोनों फिर से पहले जैसे दोस्त बन जाएंगे। आकाश मैं सोच रही थी कि अगर रात को हम डिनर करने चले तो तुम मेरे लिए थोड़ा वक्त निकाल सकते हो? कैसी बात करी मेरी, तुम्हारे लिए तो वक्त ही वक्त है, बस बताओ कहाँ है। इनफैक्ट मुझे भी तुमसे कुछ जरूरी बात करनी विष्णु के बारे में। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं विष्णु ऐसा इंसान है ही, फिर उसने इस तरह से बर्ताव क्यों किया? अचानक उसे हो क्या गया? हाँ आकाश ठीक है, हम इस बारे में रात को बात करते, मैं अभी रखती हूँ। ठीक है। दरवाजा खुला हुआ है और यहाँ पुलिस क्यों नहीं है? ये झुमका तो मैंने गजी भाभी के लिए मंगवाए थे। कचरी दीदी, मायके जाने के नाम से कितनी खुशी होती है ना। चलो डाले इसको, इसको। यहाँ पे खोली नंबर 12 है ना, वहाँ पे कुछ लोग कहीं से औरतों को लेके आते हैं,
बड़े खतरनाक लोग हैं। कहाँ लेके जाती है लड़कियों को? मैडम और कहा धंधे बिठा दे। ठीक, कहीं तुमसे कुछ गलती तो नहीं हो रही ना पहचानने में? नहीं आकाश, मुझसे कोई गलती नहीं हुई। ये इयररिंग कचरी दीदी का ही है, मुझे पूरा यकीन है। आकाश मैंने कहा था ना उस दिन, मैंने कचरी दीदी की आवाज सुनी थी। आकाश आज मुझे पूरा यकीन हो गया। आकाश हमें जल्द से जल्द कचरी दीदी को बचाना होगा। ये लोग बहुत खतरनाक है। बस्ती में तरह तरह की बातें होती है। ये लोग कहते हैं वो लोग लड़कियों को लेकर बेच देते हैं, धंधे करवाते हैं उनसे। कचरी भाभी, लेकिन कचरी भाभी उनके चुंगुल में फंसी कैसे? मेरी एक बार मामा जी से बात करनी चाहिए, मुझे जरूर कुछ हुआ है। आकाश हमारे पास उतना वक्त नहीं है कि हम मामा जी से बात करेंगे। तुम मेरे साथ चलो, हम वहां जाके कचरी दीदी को ढूंढते। मुझे इतना आसान नहीं है ये सब। पुलिस वाले भी ऐसी जगह पर इतनी आसानी से छापा नहीं मार सकते। मैंने सुना है मिनी, ये जो जगह होती है ना, ये भूल भुलैया सी होती है, और वहां जो लोग रहते हैं वो भी बड़े खतरनाक होते हैं। एक काम करता हूं, मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ, पुलिस वालों की मदद लेता हूँ, तो कजरी भाभी को ढूंढने में आसानी होगी। आकाश नहीं, मुझे भी तुम्हारे साथ आना है, प्लीज। बेटी तुम मेरे साथ नहीं आ सकती, वहां का जो माहौल है वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं। वहां जिस्म बेचे जाते हैं और ऐसी जगह पर हमारी आंखें शर्म से छुप जाती है। मेरी प्लीज, मेरा इतना तो कहना मानो। मिट्टी में फोन करके तुम्हें सारी चीजें बता देता हूँ, लेकिन तुम भावनाओं में बहकर कोई भी कदम मत उठाना। ये जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। मैं फोन करूंगा तुम्हें। कजरी भाभी, बच गए। अभी तक आकाश ने फोन क्यों नहीं किया? उसे बताया था, वो मुझे बताएगा। आकाश को फोन करके देखती हूँ। वो फोन बिजी आ रहा है। नहीं नहीं, मैं और दे नहीं कर सकती। कहीं कहीं कचरी दीदी को कुछ हो ना। नहीं, अगर मैं चुपचाप बैठी रही तो बहुत देर हो जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। क्या हुआ? इस वक्त मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मुझे जाना होगा। अगर आकाश का फोन है तो उसे बता देना मैं चली गई हूँ। पर कछु बता तो, कहाँ जा रही है, कहाँ हो रहा है, कहाँ बताऊँ को? मैया आकाश को सब पता है, बस बता देना कि मैं निकल चुकी हूँ। याद है ना वो दिन तू गई थी, वो अंबिका ने बुलाया था और तू अकेली गई थी? और मैया कुछ नहीं होगा मुझे, अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी घर आ जाऊंगी। बस आकाश को बता देना, मैं चलती हूँ मैया, बहुत जल्दी मैं हूँ। अकेली जा रही है वो? ए हलकत! अरे यार दिल की बात सुनती नहीं है, पैसे वैसे मांगते रहती है यार। पैसे वैसे है नहीं और मुंह उठा के चला आता है। अगर दोबारा यहाँ दिखा ना, माँ कसम तेरा मुंह तोड़ देगी। अपने इसे कहीं देखा है? इसे कहीं देखा है? फोटो क्या देखना, तुम्हें देख लिया बस। बोलो ना कितना लोगी रात का? अरे बताओ तो सही कितना लोगी?
आपने इन्हें कहीं देखा है? आपने इसे कहीं देखा है? प्लीज जरा गौर से देखिए, कहीं कहीं इधर उधर देखा है आपने इन्हें? आपने देखा? इसे कहीं देखा है? ये मंगलवाड़ी है। वेलकम टू हेल मिस्टर कश्यप। जब मैं बुलाऊं तभी वापस आ। अभी जाओ।